हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पोलो। दोस्तों, हम सब बीएमई में कपलिंग एंड क्लच की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों ये चैप्टर नंबर 6 है और जिसका ये आज लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं जिसमें हम सब देखे थे कपलिंग के सभी प्रकार और कपलिंग से रिलेटेड सभी बातों को। ओके, और इस लेक्चर में जो है हम सब क्लचेस से रिलेटेड सभी चीज़ों को देखेंगे। इसलिए यदि पिछला लेक्चर नहीं देखें तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो है दोस्तों कपलिंग से पूरा जितना भी क्वेश्चन बनता है वहाँ पर आपको पूरा पूरा बता दिए हैं, वो भी एक अच्छे लैंग्वेज में। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज इस लेक्चर में जो है हम सब क्लचेस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे, जिससे ये जो चैप्टर नंबर 6 है इसी लेक्चर में पूरा पूरा कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लचेस से। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये बनता है क्लचेज में कि क्लच होता क्या है, क्योंकि क्लच को पहले अच्छे से समझ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डिफिनेशन के माध्यम से हम सब देख लेंगे। ओके ना, पहले तो समझने का प्रयास कीजिए, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो क्लच होता है इसको सबसे पहले हम सब स्टार्ट करते हैं अपने घरों से, ठीक है ना। लगभग सभी लोग गाड़ियाँ तो चलाए होंगे मोटरसाइकिल को, बट जितने लोग नहीं चलाएं वो लोग देखे तो होंगे। और मोटरसाइकिल में ये चीज़ आप जानते हैं कि वहाँ पर क्लच तो होता है, ठीक है ना, क्लच होता है जिसके द्वारा हम सब क्या करते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाने का एवं रोकने का प्रयास करते हैं उसके द्वारा, ठीक है ना। क्लच की सहायता से हम सब गाड़ी को आगे बढ़ाने तथा रोकने का कार्य करते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वो कार्य किस प्रकार करता है जो क्लच होता है, उसी चीज़ को हमें समझना है यहाँ पर कि क्लच जो होता है किस प्रकार उसका कार्य हम लोग करते हैं कि वो रुक जाती है कैसे, ठीक है ना। इसी चीज़ को समझेंगे क्लच के माध्यम से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो क्लच होता है वो जब हम लोग मतलब क्लच का जब कार्य करते हैं हम लोग मतलब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जो है क्लच का जब कार्य करते हैं तो उस वक्त जो होता है दोस्तों क्लच की सहायता से एक चालक शाफ्ट होता है, ठीक है ना। चालक शाफ्ट से चली शाफ्ट पर शक्ति पारेषण का कार्य होता है, ठीक है ना। जो चालक शाफ्ट हमारा होता है वो चली शाफ्ट को शक्ति पारेषण करता है, मतलब शक्ति का हस्तांतरण करे, चाहे शक्ति प्रदान करता है चाहे शक्ति देता है, ठीक है ना। पारेषण का मतलब यही होता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जो चालक शाफ्ट होता है वो चली शाफ्ट को शक्ति देने का प्रयास करता है, जिसकी सहायता से चालक शाफ्ट के साथ चली शाफ्ट जुड़ जाता है और वो दोनों चलने लगते हैं, ठीक है ना, और जिसकी सहायता से गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। ओके, और जब हमें उसे रोकना रहता है तो उस वक्त जो होता है क्लच का कार्य ये होता है कि जो चालक शाफ्ट होता है वो चली शाफ्ट को शक्ति प्रदान करना बंद कर देता है, जिससे वो दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए चालक शाफ्ट इसीलिए मतलब टोटल ये समझिए, इसीलिए क्लच जो होता है अस्थायी रूप से लगाया जाता है, ठीक है, ताकि उसे हमें अपनी आवश्यकता अनुसार चालक शाफ्ट से चली शाफ्ट को जोड़ सकते हैं या फिर उसे अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब यह है कि गाड़ी को जब चाहे तब हम लोग स्टार्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं और उसे रोक सकते हैं। बोलिए, इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम सब डिफिनेशन के माध्यम से। ओके, सेम यही चीज़ें लिखी गई हैं, आई होप हमारी बात आपको अच्छे समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब डिफिनेशन देखते हैं, ठीक। देखिए, ये दिया दोस्तों क्लच, ठीक है ना, कि क्लच होता क्या है। देखिए ना, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा चलित शाफ्ट पर चालक शाफ्ट से अस्थायी रूप से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उसकी घूमती दिशा में ही अलग भी किया जा सकता है या फिर जोड़ा भी जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर जो घूमती दिशा से कहा गया है ये मतलब यह है कि गाड़ी जब स्टार्ट रहती है तो उसी वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे जो है इसके चली शाफ्ट एवं चालक शाफ्ट को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चालक शाफ्ट के द्वारा चली शाफ्ट को जोड़ सकते हैं शक्ति प्रदान करके, या चालक शाफ्ट से चली शाफ्ट को अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ से ये बनता है क्लच के बारे में, कि क्लच के कार्य तथा उपयोग के बारे में, ठीक है, कि क्लच के कार्य और उपयोग के बारे में दूसरा यहाँ पर टॉपिक बनता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो क्लच के कार्य एवं उपयोग होते हैं इनके बारे में देखिए ध्यान से,
क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये जरूर पूछता है एग्जाम में क्लच से रिलेटेड, ठीक ना, कि क्लच होता क्या है और क्लच के कार्य तथा उपयोग बताइए, ठीक। इसलिए बेहतर तरीके ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहला देख लेते हैं इसमें। देखिए क्लच का उपयोग जो होता है स्कूटरों मोटरसाइकिलों कार आदि ऑटोमोबाइल्स जैसे होते हैं, ठीक है ना, इन सभी क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंतर्गत ये सब आते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल कार आदि, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल्स तथा विभिन्न औद्योगिक मशीनों में आवश्यकता अनुसार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कि आप लोग खुद ही जानते हैं तो क्लच किस किस चीज़ों में होता है, ठीक है ना। तो सम्यक कार्य यही होता है, ठीक है ना, जो हम बताएं जिस प्रकार से उसी प्रकार। बस यहाँ पर यही ध्यान दिए कि क्लच का उपयोग जो होता है स्कूटर मोटरसाइकिलों कार आदि ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं तथा विभिन्न औद्योगिक मशीनों में आवश्यकता अनुसार किया जाता है, ठीक। और ध्यान दीजिए दूसरा पॉइंट ये बनता है कि क्लच की सहायता से, ठीक है, क्लच की सहायता से चालक एवं चलित शाफ्टों को शीघ्रता से जोड़ा अथवा अलग किया जा सकता है। बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए तीसरा पॉइंट ये बनता है, चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट पर बार बार शक्ति को पारेषित करने तथा रोकने के लिए क्लच का प्रयोग किया जाता है। इतना भी आप समझ पाए, क्योंकि दोस्तों देखिए यही चीज लिखी गई है जो चीजें हम आपको पहले समझाए हैं, ठीक है ना। देखिए सेनो ये कह रही है कि चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट पर बार बार शक्ति को पारेषित करने के लिए, मतलब शक्ति को देने के लिए तथा उसे रोकने के लिए क्लच का प्रयोग किया जाता है। इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए चौथा पॉइंट ये बनता है, जब कोई मशीन पूरी या आंशिक रूप से भारित होती है, ठीक है, कह रहा है जब कोई मशीन पूर्ण या आंशिक रूप से भारित होती है, मतलब उस पर जब लोड लगता है पूर्ण रूप से, ठीक है ना, और ध्यान दीजिए, या फिर आंशिक रूप से मतलब थोड़ा बहुत, तब क्लच को मशीन पर शक्ति पारेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। तब जो है क्लच को मशीन पर शक्ति देने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलिए इतना भी समझ पाए। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए यही दो टॉपिक यहाँ पर थे कि क्लच तथा क्लच के उपयोग के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जो है इसे हम लोग रफ करते हैं और अब देखते हैं कि क्लच तथा ब्रेक में अंतर के बारे में, ठीक है ना। क्लच तथा ब्रेक के अंतर को देखते हैं और क्लच तथा कपलिंग के अंतर को भी देख लेते हैं यहीं पर, ठीक है ना। देखिए क्लच और कपलिंग इस चैप्टर का नाम है, इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं और जो है ब्रेक तथा क्लच में भी अंतर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब क्लच तथा ब्रेक में अंतर के बारे में, ओके। तो ध्यान दीजिए क्लच तथा अंतर के बारे में, ठीक है। देखिए पहले देख लेते हैं क्लच, ठीक है। देखिए क्लच की क्रिया में पहले चालक अंग गतिमान होता है, ठीक है ना। क्लच की क्रिया में पहले चालक अंग गतिमान होता है तथा चलित अंग स्थिर अवस्था में होता है। तभी तो हम लोग चालक शाफ्ट के द्वारा जब शक्ति पारेषण करते हैं, किस पे, चलित शाफ्ट पर, तभी चलित शाफ्ट जो होता है घूमने का प्रयास करता है, ठीक है ना। घूमने का मतलब कार्य करता है, जब चालित शाफ्ट शक्ति प्रदान करता है चलित शाफ्ट पर, ठीक है ना। जब तक वह शक्ति प्रदान नहीं करता है तब तक के लिए चलित शाफ्ट जो होता है वह स्थिर अवस्था में रहता है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही कि क्लच की क्रिया में पहले चालक अंग गतिमान होता है, ठीक है, तथा चलित अंग स्थिर अवस्था में होता है, ठीक। बाद में क्लच द्वारा जोड़े जाने पर, जब क्लच हम लोग क्लच का प्रयोग करते हैं यहां से, ठीक है ना, तब क्या होता है, देखिए बाद में क्लच द्वारा जोड़े जाने पर दोनों ही गतिमान अवस्था में आ जाते हैं, ठीक। बोलिए इतना समझ पाए। और यही चीज देख लीजिए जबकि ब्रेक में, ठीक है, जबकि ब्रेक की क्रिया के अंतर्गत प्रारंभ में पहले, ठीक है ना, पहले मतलब प्रारंभ में ब्रेक लगाने वाला अंग, जैसे ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, ब्रेक लगाने वाला अंग स्थिर अवस्था में होता है, पहले स्थिर अवस्था में होता है, ठीक है ना, बाद में हम उसे लगाते हैं तब वो काम करता है, ठीक। वही चीज कहा जा रहा है, ब्रेक लगाने वाला अंग स्थिर अवस्था में होता है तथा मशीनी अंग चलायमान होता है तथा अन्य जो मशीनी अंग होते हैं वो सब चलते रहते हैं, ठीक है, वही चीज है। ब्रेक लगाने के पश्चात, मतलब ब्रेक लगाने के बाद मशीनी अंग भी स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी भी मतलब मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो वहां पर जब ब्रेक लगाते हैं तो सारे अंग क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो वही चीज बताया जा रहा है, जबकि ब्रेक लगाने के पश्चात जो है बाद मशीनी अंग भी स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है,
आइयो, आपको अच्छा समझ में आएगा तो ध्यान दीजिए दोस्तों। दोस्तों दूसरा कंडीशन ये बनता है यहाँ से कि क्लच के अंतर्गत अंतिम अवस्था में दोनों अंगों के मध्य सापेक्ष गति समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। मतलब सापेक्ष गति मतलब ये है कि दोनों मतलब उनमें कोई भी अंतर नहीं रह जाता है, ठीक है ना। हर एक अवस्था में, जैसे क्लच की अवस्था में ये क्या जा रहा है कि क्लच के अंतर्गत अंतिम अवस्था में मतलब बाद में जो है, ठीक है, दोनों अंग के मध्य सापेक्ष गति समाप्त हो जाती है, तो उसमें कोई अंतर नहीं रहता और सब कुछ मतलब कोई चीज ऐसा नहीं रहता कि जैसे दो चीज की बात होती है ना क्लच में, जैसे चालक शाफ्ट और चलित शाफ्ट की, तो ऐसा नहीं है कि चालक शाफ्ट स्थिर रहेगा और चलित शाफ्ट गतिमान रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वही कहने का मतलब है कि मध्य सापेक्ष गति का मतलब यही है, ठीक है, मतलब दोनों जो है दोनों कार्य करने लगते हैं एक साथ, ओके। और इसी प्रकार सेम यही कंडीशन ब्रेक में भी होने लगता है कि ब्रेक के अंतर्गत अंतिम अवस्था में दोनों अंगों के मध्य सापेक्ष गति समाप्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों। सेम ये कंडीशन जो है क्लच में भी यही होता है और ब्रेक में भी यही होता है। देखिए ब्रेक में भी मशीनी अंग भी स्थिर हो जाते हैं जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक के साथ साथ ये दोनों चीज स्थिर हो जाते हैं, ओके। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए इसे भी जो है हम सब रफ करते हैं और देख लेते हैं क्लच तथा कपलिंग के बारे में, मतलब उनके अंतर के बारे में, ओके। तो चलिए इसे रफ कर देंगे। तो चलिए दोस्तों लाइट भी चली गई, ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए अब देख लेते हैं क्लच तथा कपलिंग में अंतर, ओके। तो ध्यान दीजिए क्लच तथा कपलिंग में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ से जरूर बनता है दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही कपलिंग और क्लच है, ठीक है ना, इसीलिए क्लच तथा कपलिंग में अंतर बेहद जरूरी है, ठीक है। और वैसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप जान गए होंगे क्लच और कपलिंग में अंतर होता क्या है, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि क्लच क्या होता है और कपलिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए क्लच जो होता है इसमें क्लच का कार्य चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से आवश्यकता अनुसार जोड़ना तथा अलग करना है, ठीक है ना, कि हम जब चाहें तब चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट को जोड़ सकते हैं या फिर हटा सकते हैं, ठीक है ना। हमें आगे जाना है तब उसे क्या करेंगे, चालित शाफ्ट से जोड़ेंगे चालक शाफ्ट को, या फिर हमें रोकना है तो क्या करेंगे चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट को अलग कर देंगे, ओके। तो देखिए ध्यान से, ये चीज होता है क्लच में, और जबकि कपलिंग में क्या होता है, जबकि कपलिंग का कार्य शाफ्टों को दो लंबाइयों को जोड़ना है। इसका कहने का अर्थ ये है कि जो ये कपलिंग होती है, कपलिंग में मतलब दो या दो से अधिक शाफ्टों को जोड़ना होता है, मतलब कपलिंग की सहायता से ही दो या दो से अधिक शाफ्टों को हम सब जोड़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कपलिंग जो शाफ्ट होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 7 मीटर, मतलब 5 से 7 मीटर तक होती है। यदि हमें बड़ा यंत्र में लगाना हो, बड़ी मशीन में शाफ्ट, तो मान लीजिए उसमें कुछ ज़्यादा लंबाई का लगाना हो, तो क्या करेंगे, जब हमारे पास 5 से 7 मीटर का होता है तो वहाँ पर अधिक का प्रयोग करना होता है, तो उसके लिए दो या दो से अधिक शाफ्टों को एक साथ जोड़कर वहाँ पर प्रयोग करते हैं। और भी किसके साथ जोड़ते हैं, तो कपलिंग के साथ जोड़ते हैं, ओके। तो ये चीज लिखी गई है, जबकि कपलिंग का कार्य शाफ्टों की दो लंबाइयों को जोड़ना है। आई होप दोस्तों समझ पाए। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्लच द्वारा शाफ्टों को चलती हुई अवस्था में जोड़ा अथवा अलग किया जा सकता है। मतलब क्लच हम लोग कब कार्य, क्लच का कार्य कब होता है, क्लच तभी कार्य करता है जब वो मशीनी अंग, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, जैसे मोटरसाइकिल हो, क्यों ना हो, ठीक है ना, वो जब चलित अवस्था में होता है तभी उसको जो है, मतलब जब वो स्टार्टिंग अवस्था में होता है, ठीक है, मतलब वो स्टार्ट होता है तभी जो है ये क्लच कार्य करता है, मतलब तभी शाफ्टों को चलती हुई अवस्था में जोड़ा या अलग किया जा सकता है, ठीक, इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए, परंतु कपलिंग में क्या होता है, परंतु कपलिंग द्वारा शाफ्टों को केवल रुकी हुई अवस्था में ही जोड़ा अथवा अलग किया जा सकता है, ठीक है ना, ये चलायमान अवस्था में नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। कपलिंग में क्या होता है, शाफ्ट को पहले हम सब जितनी आवश्यकता अनुसार उसे जोड़ लेते हैं, दो या तीन शाफ्टों को एक लंबाई में, ठीक है ना, तब इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, वो भी अस्थायी रूप से पहले इसे जोड़कर, वो भी स्थिर अवस्था में, ठीक, तब इसका प्रयोग करते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। आइए दोस्तों आपको अच्छा समझ में आ गया हो, तो चलिए इसे जो है आप चाहें तो इसके साथ ले सकते हैं, और चलिए इसे हम रफ करते हैं और अब देख लेते हैं हम सब कि क्लच के प्रकार, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्लचेज के बारे में, ओके। तो चलिए इसे रफ करते हैं, ओके। तो ध्यान दीजिए, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्लच के क्लासिफिकेशन, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्लच
क्लच, ठीक। देखिए क्लच जो होता है, सबसे पहले क्लच को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्लच को दो भागों में बांटा जाता है, यहाँ पर मान लीजिए। देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है जबड़ा क्लच, जबड़ा क्लच, ठीक है ना, जबड़ा, या देखिए इसे दो नाम से जानते हैं, जबड़ा क्लच या फिर धनात्मक संपर्क क्लच भी कहते हैं इसी को, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जबड़ा या धनात्मक संपर्क क्लच। और दूसरा जो होता है इसका पार्ट वो होता है घर्षण क्लच, घर्षण क्लच। ओके। और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जबड़ा या धनात्मक संपर्क क्लच होता है, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए ये जो होता है ये दो प्रकार का होता है, यहां से देख लीजिए, पहला इधर दूसरा यहां पर देख लीजिए। देखिए पहला जो होता है वो होता है वर्ग जबड़ा क्लच होता है, पहला वर्ग जबड़ा क्लच, और दूसरा जो होता है वो होता है स्पाइरल जबड़ा क्लच, ठीक है ना, स्पाइरल जबड़ा क्लच, स्पाइरल जबड़ा क्लच। बोलिए समझ पाए। और ध्यान दीजिए दोस्तों, और जो घर्षण क्लच होता है ये टोटल चार प्रकार का होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये चार प्रकार का होता है, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है प्लेट या डिस्क क्लच होता है, क्या होता है, प्लेट या डिस्क क्लच, प्लेट या डिस्क क्लच, ओके। और दूसरा ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा जो होता है वो होता है शंकु क्लच होता है, शंकु प्लेट क्लच, ठीक है ना। ध्यान दीजिए शंकु प्लेट क्लच, क्लच, ओके दोस्तों। और ध्यान दीजिए तीसरा जो होता है वो होता है अपकेंद्री क्लच, अपकेंद्री क्लच। एक मिनट दोस्तों, ये जो है साथ प्लेट नहीं है, एक मिनट दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्लेट नहीं रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर रहेगा केवल शंकु क्लच, यहाँ पर लिख लीजिए पास में शंकु क्लच की हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अपकेंद्रित क्लच रहता है, और यहाँ पर जो होता है चौथा होता है ये होता है ब्लॉक तथा बैंड क्लच, ठीक है, ब्लॉक तथा बैंड क्लच होता है क्लच, ओके दोस्तों। चौथा होता है हमारा ब्लॉक तथा बैंड क्लच। बोलिए इतना समझ पाए। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो प्लेट या डिस्क क्लच होता है, प्लेट या डिस्क क्लच, ठीक है, ये भी हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक। देखिए ध्यान से, ये जो होता है दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है एकल, एकल प्लेट क्लच होता है, ठीक है, क्या होता है, एकल प्लेट क्लच। और दूसरा जो होता है वो होता है बहु प्लेट क्लच होता है, ठीक है, बहु प्लेट क्लच होता है। बोलिए दोस्तों इतना आप सभी समझ पाए। यही होता है क्लच का प्रकार, ठीक है। एक बार और ध्यान दीजिए, देखिए क्लच तो होता है सबसे पहले दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला जो होता है, देखिए दोस्तों क्लच जो होता है दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला जबड़ा या धनात्मक संपर्क क्लच होता है, और दूसरा होता है घर्षण क्लच, ठीक। और ध्यान दीजिए जबड़ा या धनात्मक संपर्क क्लच भी दो प्रकार का होता है, पहला वर्ग जबड़ा क्लच होता है, दूसरा स्पाइरल जबड़ा क्लच होता है, ठीक। जबकि घर्षण क्लच जो होता है ये चार प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला प्लेट या डिस्क क्लच होता है, दूसरा शंकु क्लच होता है, और तीसरा अपकेंद्रित क्लच होता है, और चौथा जो होता है ब्लॉक एंड बैंड क्लच होता है, ओके। और ध्यान दीजिए प्लेट या डिस्क क्लच जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, सबसे पहला एकल प्लेट क्लच होता है, और दूसरा बहु प्लेट क्लच होता है। बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, इसे जो है
हमें इतने को पढ़ना है, ठीक है ना। अब हमारे यही इतने टॉपिक रह गए हैं पढ़ने के लिए इसमें, ठीक है ना, इस चैप्टर में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी को देख लेते हैं, ठीक है ना, कि जबरा धनात्मक क्लच क्या होता है, घर्षण क्लच क्या होता है, सभी के बारे में। ओके, तो चलिए इसे रफ करते हैं और देखते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब जबड़ा या धनात्मक क्लच के बारे में, ठीक है ना। धनात्मक संपर्क क्लच रहेगा, ठीक है सॉरी दोस्तों, यहाँ पर संपर्क लिख दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, संपर्क धनात्मक या संपर्क क्लच, ठीक है। देखिए धनात्मक या संपर्क क्लच सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये देखिए इनके प्रयोग से जो होता है, जो जबड़ा क्लच होते हैं इनके प्रयोग से चालक तथा चलित साप्टों में, ठीक है, चालक तथा चलित साप्टों में कोई सर्कन या सापेक्ष गति नहीं होती है, ठीक है। बोलिए इतना समझ पाए कि इनके प्रयोग से जो है चालक तथा चलित साप्टों में सर्कन गति जो होती है, ठीक है ना, सर्कन सापेक्ष गति नहीं होती है। ओके, और ध्यान दीजिए ये तो हो गया जबड़ा क्लच, ठीक। और इसके अंतर्गत दो प्रकार के क्लच आते हैं, पहला आता है वर्ण जबड़ा क्लच, ठीक है, और दूसरा स्पाइरल जबड़ा क्लच। ओके, तो ध्यान दीजिए जो वर्ण जबड़ा क्लच होता है इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको सबसे पहले दोस्तों इसका डायग्राम देख लेते हैं, ओके, तो उसके बाद इसे पढ़ते हैं, ठीक ना, तो अच्छा रहेगा। देखिए इसका डायग्राम जो है जबड़ा क्लच का वो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर साफ्ट होता है, देखिए यहाँ पर वो भी कौन सा साफ्ट होता है, तो चालक साफ्ट होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं, लिख दीजिए यहाँ पर चालक साफ्ट, ठीक है, ये होता है चालक साफ्ट। देखिए ये तो इस प्रकार से ऐसे आगे जाता है, ठीक है, जिसको यहाँ से इस प्रकार से थोड़ा लगाया जाता है, तो छोटा करिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है एक दोस्तों पार्ट लगाया जाता है जो कि एक आयताकार होता है इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, यहाँ पर एक पार्ट लगाया जाता है जिससे होता हुआ यहाँ पर वर्ग जबड़ा क्लच इसी में लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए वर्ग जबड़ा क्लच यहाँ पर लगाया जाता है। देखिए कैसे ऐसे करके यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से, और यहाँ से जो है ऐसे लेकर ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से जबड़ा क्लच यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं जबड़ा क्लच। ये जो होता है वर्ग जबड़ा क्लच यही होता है, देखिए वर्ग के आकार का होता है, ठीक है, ये खांचा जो कटा होता है एक वर्ग के आकार का होता है, थोड़ा हमसे बड़ा छोटा हो गया फिलहाल, इसे आप लोग वर्ग के आकार में एकदम बनाइएगा, ठीक है। देखिए इसे बोला जाता है वर्ग जबड़ा क्लच, वर्ग जबड़ा, वर्ग जबड़ा, ठीक है, ये होता है वर्ग जबड़ा। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों वर्ग जबड़ा क्लच लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से। उसके बाद जो होता है यहाँ से एक पार्ट द्वारा, ठीक है, एक पार्ट द्वारा और एक यहाँ पर पार्ट लगा होता है ऐसे, जिसके बीच में लीवर लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है लीवर लगा होता है ऐसे, यहाँ पर लीवर लगा होता है इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, क्या होता है लीवर लगा होता है, देखिए कैसे ऐसे करके यहाँ पर आता है लीवर, और यहाँ पर कुछ बड़ा आकार का ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक लीवर लगा होता है, इसका नाम लीवर होता है, ठीक है, इस प्रकार से बनता है, इसे कहते हैं लीवर, ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं लीवर, ठीक। और ध्यान दीजिए दोस्तों ये हो गया लीवर, और ये हो गया वर्ग जबड़ा क्लच, और ये हो गया चालक साफ्ट। ओके, और ध्यान दीजिए ये जो साफ्ट है इस बगल निकला रहता है इस तरह से निकला हुआ रहेगा, ठीक है, जिसको ऐसे रहेगा, देखिए इस प्रकार से निकला रहेगा, बट इसे जो है इस वाले पार्ट को ये कहते हैं, ध्यान दीजिए चलित साफ्ट इस वाले पार्ट को कहते हैं, ठीक है ना, चलित साफ्ट, बोलिए इतना समझ पाए, इस वाले भाग को चलित साफ्ट कहते हैं और इस वाले पार्ट को चालक साफ्ट कहते हैं। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए अब चलिए पढ़ लेते हैं कि यह वर्ग जबड़ा क्लच होता क्या है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए देखिए चलित साफ्ट के अक्षीय खांचे में जबड़ा प्लेट को लीवर द्वारा बाई और सरकने से दोनों साफ्टे जुड़ जाती हैं, ठीक है, दोनों साफ्टे कह रहा है कि ये जुड़ जाती हैं, कैसे जुड़ती हैं दोनों साफ्टे, देखिए ये साफ्ट मतलब चलित साफ्ट और चालक साफ्ट को जोड़ने के लिए क्या करते हैं,
अक्षीय खांचे में, ठीक है ना, ये जो अक्षीय खांचे बने होते हैं जबड़ा प्लेट को, ये सब जबड़ा प्लेट होते हैं ठीक है ना, को लीवर तथा, देखिए लीवर बनाया हुआ है ना, लीवर के बाईं ओर, ठीक है दोस्तों, लीवर के बाईं ओर, और ध्यान लीवर के बाईं ओर सरकने से दोनों सांपटे जुड़ जाते हैं, लीवर के बाईं ओर सरकने से क्या होते हैं, ये सांपटे जुड़ जाते हैं ओके। और ध्यान दीजिए, दोनों सांपटों को शीघ्र ही जोड़ा तथा अलग किया जा सकता है, ठीक है ना, इन दोनों सांपटों को शीघ्र ही जोड़ा या अलग किया जा सकता है। और एक चीज का देखिए, घुमाओ की दोनों दिशाओं में शक्ति प्रसार हो सकता है, ठीक है ना, मतलब ये जो साप्ट है, चालक साप्ट और चली साप्ट, जब घुमावगत करते हैं तो इनमें जो होता है शक्ति पार्यसर, मतलब शक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है ना, ये मतलब शक्ति प्रदान कर सकती है। बोले इतना समझ पाए, तो दोस्तों चलिए इसे भी जो है हम लोग रफ करते हैं, अब देख लेते हैं स्पाइरल क्लच के बारे में, ठीक है, आई होप आप इसको समझ पाएंगे, इसको चाहे तो आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है, तो चलिए अब रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब स्पाइरल क्लच, ठीक है, सो दोस्तों ये चीज आपको हम यहाँ पर स्पाइरल क्लच बोल देते थे, ठीक है ना, बट वो स्पाइरल क्लच है, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये क्या होता है स्पाइरल क्लच, ठीक है ना, जबड़ा क्लच का दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है स्पाइरल क्लच, और क्लच के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, ये है स्पाइरल क्लच, ध्यान दीजिए इसमें जो दोस्तों, इसको भी सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, इसमें दोस्तों जो होता है स्पाइरल क्लच का जो डायग्राम होता है वह वर्ग जबड़ा क्लच जो होता है उसका डायग्राम से सेम मेल खाता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए कैसे, देखिए यहाँ पर जो है ना यही हम बनाया था वर्ग जबड़ा क्लच वाला, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो है क्लच भी नहीं रहेगा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, यहाँ हटा दीजिए, केवल वर्ग जबड़ा बोला जाता है इसे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डायग्राम किसका होता है वर्ग जबड़ा क्लच का होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए सेम इसी प्रकार इसका भी बनेगा, बट यहाँ पर नाम चेंज रहेगा और एक पार्ट चेंज रहेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए क्या चेंज रहेगा, देखिए इसमें जो होता है दोस्तों ये जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको केवल आप रब कीजिएगा, ये वाला बीच वाला जो जबड़ा क्लच है, क्योंकि यहाँ पर स्पाइरल क्लच में दिखाना है, ठीक है, और सभी पार्ट ऐसे ही रहेंगे सेम जबड़ा वर्ग जबड़ा क्लच जैसे ही, ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पर जो है इस प्रकार से रहता है ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके बनना रहता है ये, क्योंकि ये होता है स्पाइरल क्लच, क्या होता है दोस्तों स्पाइरल क्लच होता है, देखिए ना से स्पाइरल और सभी पार्ट सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है, केवल चेंज कहाँ है यहाँ पर, मतलब स्पाइरल मतलब वर्ग जबड़ा की जगह पर स्पाइरल जबड़ा रहेगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा ओके दोस्तों, आई होप आपको भी अच्छे समझ में आएगा, यहाँ पर जबड़ा लिख दीजिएगा स्पाइरल जबड़ा, ये स्पाइरल जबड़ा होता है, ठीक, इसका टोटल डायग्राम क्या हो गया स्पाइरल जबड़ा क्लच, जबड़ा क्लच, बोली समझ पाए डायग्राम दोस्तों, ये सेम चीज रहेगा यहाँ, बस वर्ग के जगह पर स्पाइरल लगा देंगे, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए अब चलिए इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से स्पाइरल क्लच, ठीक, देखिए इसके द्वारा केवल एक ही दिशा में शक्ति पारेसर संभव है, बट वर्ग जबड़ा क्लच में क्या होता था दोनों दिशाओं मतलब दाएं और बाएं, मतलब चालीस साठ पर और चालीस साठ पर दोनों पर क्या होता था शक्ति पारेसर होता था, मतलब शक्ति देता था, ठीक है ना, शक्ति प्रदान होती थी, बट इस पाल में क्या होता है इसके द्वारा केवल एक ही दिशा में शक्ति पारेसर संभव है, बोलिए इतना समझ पाए, और ध्यान दीजिए विपरीत दिशा में पारेसर के प्रयास से क्लच के दोनों भाग स्वयं ही अलग हो जाते हैं, ठीक है, कहने का अर्थ ये इसका कि विपरीत दिशा में जब पारेसर के प्रयास किया जाता है, मतलब शक्ति जब दिया जाता है विपरीत दिशा में, मतलब इधर से जब शक्ति दिया जाता है तो क्लच के दोनों भाग, क्लच के जो दोनों भाग होते हैं मतलब चालक साप और चलित साप, इन दोनों भाग क्या होते हैं ये अपना अलग हो जाते हैं जब विपरीत दिशा में शक्ति दिया जाता है ओके। और ध्यान दीजिए इसमें तीसरा पॉइंट ये बनता है कि क्लच द्वारा साप्टों को जोड़ने की गति से, ठीक है, क्लच द्वारा साप्तों को जोड़ने की गति से जो है 150 आरपीएम तक होती है, ठीक है ना, जो क्लच द्वारा साप्टों को जोड़ने की गति जो होती है उसमें
दो शाफ्टों को मतलब जोड़ने की जरूरत ही होती है, और क्या होती है 150 आरपीएम होती है, 150 आरपीएम। ठीक है दोस्तों, इस आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है ना। ये घूर्णन गति की आवृत्ति के लिए होता है, ठीक है ना, ये घूर्णन गति की आवृत्ति बताता है, क्या आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। इसे लिखना चाहे तो आप सब लिख सकते हैं रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है दोस्तों, ये होता है रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम का फुल फॉर्म, ठीक है। ध्यान दीजिए ये होता है 150 तक होता है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे जो हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्लच का दूसरा प्रकार जो है घर्षण क्लच, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें जो होता है देखिए, इनमें घर्षण बल के द्वारा शक्ति पारेषण होता है। इसका कहने का मतलब है कि इनमें जब घर्षण बल कार्य करता है तो इसमें शक्ति, तो ये शक्ति प्रदान करता है मतलब शक्ति देता है, ठीक है ना। शक्ति इससे उत्पन्न होता है मतलब शक्ति पारेषण होता है इसमें, ठीक है ना, जब इसमें घर्षण बल लगता है तब, ठीक है। और ध्यान दीजिए तथा क्रिया में झटका भी नहीं लगता है। इसका मतलब यह है जब ये क्रिया करता है तो इसके क्रिया में जो है झटका उत्पन्न नहीं होता है जब घर्षण बल क्रिया करता है तो, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए दोनों दिशाओं में शक्ति पारेषण संभव है, मतलब चलित शाफ्ट पर और चालक शाफ्ट पर दोनों दिशाओं में जो है शक्ति पारेषण संभव है, ओके। तो चलिए दोस्तों अब अगला स्टेप देखते हैं। यह है कि बार बार जोड़ने तथा अलग करने और भारित शाफ्ट को जोड़ने के लिए उपयुक्त होता है, मतलब जो घर्षण क्लच होता है ये जो होता है मतलब बार बार जोड़ने और अलग करने तथा जब मतलब भारित, जब भार लगता है मतलब शाफ्ट पर, ठीक है ना, मतलब भारी शाफ्ट जो होता है उसको जोड़ने के लिए हम लोग घर्षण क्लच का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, बार बार जोड़ने तथा अलग करने और भारित शाफ्ट को जोड़ने के लिए ये उपयुक्त होता है, मतलब सही होता है, ओके। तो दोस्तों और देखिए इसके कुछ मुख्य पॉइंट, मतलब घर्षण क्लच के लिए आवश्यक बातों, ठीक है ना, घर्षण क्लच के लिए आवश्यक बातें कुछ है, उसको देख लीजिए ध्यान से। वो ये है पहला कि प्रारंभ में घर्षण सतहों पर दाब जो है धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या होता है कि प्रारंभ में मतलब पहले जो होता है घर्षण सतहों पर दाब धीरे धीरे बढ़ने चाहिए, ठीक। और दूसरा काम क्या है कि घर्षण सतहों पर उपजी ऊष्मा का शीघ्र क्षय होना चाहिए, ठीक है, मतलब घर्षण सतहों पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज कहा जा रहा है। और ध्यान दीजिए तीसरा ये है कि घर्षण सतहों पर समान दाब उपजना चाहिए, ठीक, मतलब घर्षण सतह पर दाब जो है समान रूप से लगने चाहिए, ओके। आई होप दोस्तों आप ये भी अच्छे समझ पाएंगे। तो चलिए इसे भी जो है हम रफ करते हैं और अब इसके पार्ट को देख लेते हैं, घर्षण क्लच के अंतर्गत जो पार्ट है चार प्रकार के, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके पार्ट वाले को देख लेते हैं, ठीक है ना, जो कि पहला होता है प्लेट या डिस्क क्लच, ठीक। तो चलिए इसे रफ करते हैं और उसे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब प्लेट या डिस्क क्लच के बारे में, ओके, जो कि घर्षण क्लच का ये पहला पार्ट है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए सबसे पहले दोस्तों इसके डायग्राम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसके डेफिनेशन के माध्यम से इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों ये जो है इसमें ये इसका डायग्राम होता है, ठीक है, जिसमें इसके पार्ट के नाम को हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा समय की वजह से हम यहाँ पर पहले बना दिए, ठीक है। ध्यान दीजिए देखिए इसमें जो होता है दोस्तों ये वाला पार्ट होता है जो ये रेखांकित है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं घर्षण स्तर, घर्षण स्तर बोलते हैं इसे, ठीक है, घर्षण स्तर, ठीक। और ध्यान दीजिए ये जो होता है ये होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है, और इसमें ये जो पार्ट होता है दोस्तों ये वाला, ये, ठीक है, इसे बोलते हैं स्लीव, क्या बोलते हैं, स्लीव होता है। और ध्यान दीजिए ये तो आप जानते हैं खुद ही कि शाफ्ट होता है, एक मिनट दोस्तों ऐसे नहीं, ये आप जानते हैं इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इस साइड वाले को, इसे कहते हैं चलित शाफ्ट, चलित शाफ्ट, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है चालक शाफ्ट,
चालक साबित। ठीक है, और ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना हो गया ना, ये होगा। और ध्यान दीजिए एक चीज़ और बचा है, जो है फ्लैंज के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो फ्लैंज होता है, मतलब फ्लैंज ए और बी, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं फ्लैंज ए, फ्लैंज ए, और इसे बोलते हैं फ्लैंज बी। बोलिए इतना समझ पाए दोस्तों। देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसे फ्लैंज बी, इसे फ्लैंज ए बोला जाता है, और ये जो होते हैं इन्हें स्प्रिंग बोला जाता है, और इस बगल चलित शाफ्ट लगाया जाता है, इस बगल चालक शाफ्ट लगाया जाता है, और यहाँ पर जो है ये जो रेखांकित है इसे घर्षण स्तर बोला जाता है, और ये जो पार्ट होता है इसे स्लू बोला जाता है। बोलिए इतना समझ पाए। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अपने डेफिनेशन के माध्यम से। ओके, तो ध्यान दीजिए, देखिए चालक शाफ्ट पर फ्लैंज ए शंकु कुंजी द्वारा तथा, ठीक है, चालित शाफ्ट पर फ्लैंज फैदर कुंजी या सप्लाइंग द्वारा लगी होती है। ठीक है, क्या लगी होती है, फ्लैंज, देखिए जो चालक शाफ्ट पर, ठीक है ना, क्या प्लेट जो होता है, प्लेट क्लच जो होता है, ये क्या होता है, ये देखिए कहाँ पर लगी होती है, चालक शाफ्ट पर। ठीक है, देखिए चालक शाफ्ट पर फ्लैंज ए शंकु कुंजी द्वारा, ठीक, किसके द्वारा, शंकु कुंजी द्वारा चलित शाफ्ट पर, चलित शाफ्ट पर फ्लैंज फैदर कुंजी या सप्लाइंग द्वारा लगी होती है इसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए, यदि उपजे घर्षण बल का घूर, ठीक है, यदि उपजे घर्षण बल का घूर परिसर होने वाले घूर से अधिक है, ठीक है, यदि उपजे हुए जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसके घूर से जो है, जो उत्पन्न होता है होने वाले घूर से अधिक है, ठीक है ना, उसका जो उत्पन्न होता है घर्षण उससे ये अधिक होता है, तो बिना फिसले बी पर, मतलब फ्लैंज बी पर शक्ति परिसर होता है। ठीक है, कब फ्लैंज बी पर शक्ति परिसर होता है, जब घर्षण बल का घूर परिसरित होने वाले घूर से अधिक होता है। ठीक है, तब फिसले बी पर शक्ति परिसर अधिक होता है। ओके, और ध्यान दीजिए, जब बी के पीछे स्लो में लगे लीवर द्वारा इस दाई ओर हटाते हैं, इसे जो है दाई ओर हटाते हैं, जब अभी कब, जब बी के पीछे स्लीव लगे, स्लीव लीवर द्वारा इसे दाई ओर हटाते हैं तो शक्ति पारेषण रुक जाता है। ठीक है ना, इस कंडीशन में शक्ति रुक जा, शक्ति पारेषण रुक जाता है जब हम लोग बी के पीछे स्लीव लगे लीवर द्वारा इसे दाई ओर हटाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इन क्लचों को तेल में डुबोकर या गिरती फुहार में चलाते हैं। ठीक है ना, इन क्लचों को कहाँ चलाते हैं, तेल में डुबोकर या फिर गिरती फुहारे में चलाते हैं, जिससे घिसाई तथा तापमान कम रहते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर क्या होता है, घिसाई यहाँ पर तथा तापमान कम रहता है। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए, और क्लच की क्रिया सुगम हो जाती है जब तेल के संपर्क में आता है, तो इसमें घर्षण कम उत्पन्न होता है, तापमान भी कम होता है, और जो ये कार्य करने में जो होता है सक्षम होता है, मतलब आसानी होती है इसमें। ठीक है, वही चीज लिखा गया है, और क्लच की क्रिया सुगम हो जाती है। बोलिए इतना समझ पाए, जब इसको तेल में डुबाया जाता है या फुहारे से चलाया जाता है। ओके, और ध्यान दीजिए, अगला स्टेप ये है कि इन क्लचों का अधिकतम उपयोग, मतलब प्लेट क्लच का उपयोग जो होता है अधिकतम, वो ऑटोमोबाइलों, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल आप जानते हैं, कार, मोटरसाइकिल, ये सब होते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर आदि, मशीन टूल आदि में होता है। बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों यही होता है प्लेट डिस्क क्लच के बारे में। ओके, तो चलिए इसे रफ करते हैं और अगला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, शंकु क्लच के बारे में, तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग जो प्लेट या डिस्क क्लच है उसके पहले पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, पहला एकल प्लेट क्लच होता है, दूसरा बहु प्लेट क्लच होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं एकल प्लेट प्लेट क्लच के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले इसके डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद इसके डेफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए यही होता है दोस्तों एकल प्लेट क्लच। ठीक है, इसमें जिसको पार्ट को बोलते हैं, हम आपको पार्ट बता दे रहे हैं किसको क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो रेखांकित है इधर का पार्ट, इसे बोलते हैं घर्षण क्लच, घर्षण सतह बोलते हैं। ठीक है, घर्षण सतह, ये वाला पार्ट जो होता है रेखांकित, ठीक है, इसको भी यही बोलेंगे, ये भी वाले पार्ट को। ठीक है, घर्षण सतह बोलेंगे। ओके, इतना समझ में। और ध्यान दीजिए,
ये जो होते हैं, यहाँ से ये वाले दो पार्ट और ये वाले, ये जोड़े हुए जो पार्ट होते हैं, ठीक है, इनको जो है इधर हम लिख दे रहे हैं, देखिए इनको बोलते हैं घर्षण सतह का जोड़ा। ठीक है, क्या बोलते हैं, घर्षण सतह का ये जोड़ा होता है। ओके, इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसमें जो है इस वाले पार्ट को कहते हैं चालक फ्लैंज, चालक फ्लैंज इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं चलित फ्लैंज। ठीक है, क्या बोलते हैं, चलित फ्लैंज। बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इसके डेफिनेशन को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए चालक तथा चलित फ्लैंजों के बीच, चालक तथा चलित फ्लैंजों के बीच एक प्लेट लगी होती है, देखिए एक प्लेट लगी होती है, ठीक है, जो फ्लैंज सतहों के साथ घर्षण सतहों के दो जोड़े बनाती है, जो फ्लैंज सतहों के साथ, ठीक है, देखिए फ्लैंज सतहों के साथ, देखिए ये फ्लैंज है, ये फ्लैंज सतहों के साथ जो है क्या बनाती है, घर्षण सतहों के दो जोड़े बनाती है, घर्षण सतहों के दो जोड़े बनाती है, यही जो है घर्षण सतहों के दो जोड़े बनाती है। ठीक है, देखिए घर्षण सतहों के दो जोड़ा इसे कहते हैं। ठीक है, बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए, इसे हल्की ऑटोमोबाइल में कम शक्ति पारेषण के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका कहने का अर्थ यह है कि इसका जो प्रयोग है एकल प्लेट का, इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में जो होता है, मतलब मोटरसाइकिलों के लिए जितने भी कार हैं, ठीक है, उसमें जो होता है कम शक्ति पारेषण के लिए इसका प्रयोग करते हैं, मतलब कम शक्ति उत्पादन के लिए, मतलब कम शक्ति देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इस प्लेट का, मतलब एकल प्लेट का। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देख लेते हैं बहु प्लेट प्लेट क्लच के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें प्लेटों के बीच, इसमें प्लेटों के बीच, सॉरी दोस्तों, इसमें फ्लैंजों के बीच प्लेटों के कारण घर्षण सतहों के भी दो से अधिक जोड़े बनते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, घर्षण सतहों के जो मध्य होता है इसमें दो से अधिक जोड़े बनते हैं। ठीक है ना, इसमें देखिए इसमें सिर्फ दो ही जोड़े बन रहे थे, फिलहाल उसमें अधिक जोड़े बनते हैं, क्योंकि बहु लिखा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, इसका उपयोग जो होता है मिट्टी हस्तांतरण जैसी उच्च शक्ति की मशीनों में किया जाता है। ठीक है, मिट्टी हस्तांतरण जैसे, मतलब मिट्टी का हस्तांतरण करने के लिए, ठीक है ना, जैसे उच्च शक्ति की मशीनों में किया जाता है, जैसे मिट्टी खनने वाली जेसीबी जैसे होती है, ठीक है, वो सब मशीनों में जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, यही है एकल प्लेट और बहु प्लेट के बारे में, ऐसे रफ करते हैं। अब देख लेते हैं शंकु प्लेट, शंकु क्लच के बारे में। ओके, तो चलिए रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम सब, दूसरा जो प्रकार है वो है शंकु क्लच। ठीक है ना, जो घर्षण क्लच का प्रकार दूसरा है वो है शंकु क्लच। ये देखिए ध्यान से, चालक के बाह्य शंकु की अंतः तथा चलित के अंतः शंकु की बाह्य सतह आपस में ठीक मेल खाती हैं। ठीक है ना, इसमें ये लिखेंगे पहला पॉइंट कि चालक के बाह्य शंकु की अंतः तथा चलित के अंतः शंकु की बाह्य सतह आपस में ठीक मेल खाती हैं। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, इन सतहों के बीच घर्षण के कारण शक्ति पारेषण होता है। ठीक है, क्या, इन सतहों के बीच घर्षण के कारण शक्ति पारेषण होता है। ठीक है ना, मतलब शक्ति उत्पन्न होता है, मतलब इन दोनों सतहों के घर्षण के कारण। ओके, और ध्यान दीजिए, अब देख लेते हैं ब्लॉक क्लच के बारे में। इसमें देखिए दोस्तों, एक घूमते हुए ड्रम की बेलनाकार सतह पर, एक घूमते हुए ड्रम के बेलनाकार सतह पर अंदर या बाहर की ओर से एक या अधिक ब्लॉक लगे होते हैं। बोलिए इतना समझ पाए कि एक घूमते हुए ड्रम की बेलनाकार जो आकृति होती है उसकी सतह पर अंदर या बाहर की ओर एक ब्लॉक, एक या एक से अधिक ब्लॉक लगे होते हैं। ठीक, और ध्यान दीजिए, ये ब्लॉक ड्रम की सतह पर दबे रहते हैं। क्या होता है दोस्तों, देखिए लाइट भी आ गई, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये ब्लॉक ड्रम की सतह पर दबे रहते हैं और इनके बीच और इनके घूमने का भी प्रबंध होता है। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, अब देखेंगे हम लोग बैंड क्लच के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिए, इस्पात की एक लचीली पत्ती का एक सिरा चालक के साथ तथा दूसरा चलित के ड्रम पर लपेटे हुए लगा रहता है। ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इस्पात की एक लचीली पत्ती का एक सिरा जो है चालक के साथ तथा दूसरा सिरा जो है
वो ड्रम पर लपेटे हुए लगा रहता है। ओके, और ध्यान दीजिए, पत्ती पर उपयुक्त घर्षण पदार्थ का अस्तर या ब्लॉक लगे रहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि पत्ती पर जो होता है उपयुक्त घर्षण पदार्थ का अस्तर या फिर ब्लॉक लगा रहता है। ओके, अब तीसरा पॉइंट इसमें देखिए, इन क्लच का उपयोग जो है उच्च मान के भारों को झटके की परिस्थितियों में उठाने के लिए सड़क निर्माण तथा खानों आदि में होता है। ठीक है, देखिए इन क्लच का उपयोग जो होता है उच्च मान के भारों को, ठीक है ना, जहाँ पर उच्च मान का भार होता है वहाँ पर जो होता है झटकों की परिस्थितियों में जो है उठाने के लिए सड़क निर्माण तथा खानों आदि में होता है। बोलिए, इतना समझ पाया दोस्तों? तो यही था दोस्तों, अब जो है इसे हम जो है रफ करते हैं और आपको बताते हैं। एक क्लच और बचा है, वो है अपकेंद्रिक क्लच। ठीक है, उसके बाद विविध क्लच के बारे में जो 5-6 हैं वो, क्योंकि दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट समझिए इस चैप्टर का, वो कन्फर्म पूछेगा। ठीक है ना, एग्जाम में जो विविध क्लच आपको बताएंगे वो अभी एक बार यहाँ पर लिख देंगे, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बता भी देंगे। ठीक है ना, वो 4-5 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो देखिए चलिए अपकेंद्रिक क्लच के बारे में पहले देख लेते हैं। ओके, तो चलिए रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अपकेंद्रिक क्लच के बारे में। ओके, तो ध्यान से देखिएगा अपकेंद्रिक क्लच। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, चालक पुली पर लगे हुए 3 या अधिक सुइस के साथ घूमते हैं। क्या होता है कि चालक पुली पर लगे हुए 3 या अधिक सुइस के साथ घूमते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से यहाँ पर, जैसे देखिए चालक पुली पर कह रहा ना, देखिए चालक पुली मतलब चालक साठ पर। ठीक है, देखिए लगे हुए 3 या अधिक, यहाँ पर देखिए 4 लगे हुए हैं। ठीक है ना, 4 लगे हुए सू, देखिए इसी को बोलते हैं सू, ये जो होता है पार्ट। ठीक है ना, इसे बोलते हैं सू। देखिए 3 या अधिक लगे हुए सू इसके साथ घूमते हैं। ठीक है ना, इस चालक साथ के साथ घूमते हैं। बोले इतना समझ में, और ध्यान दीजिए, जब चालक किसी न्यूनतम निर्धारित गति पर घूमता है, क्या होता है, चालक जब होता है न्यूनतम किसी गति निर्धारित पर घूमता है तो भार के कारण सू पर अपकेंद्री बल लगता है। तो सू पर क्या होता है, अपकेंद्री बल लगता है जब साट पर भार लगता है तब। ठीक है ना, तो भार के कारण जो होता है सू पर अपकेंद्री बल लगता है। बोलिए इतना समझ पाए, और ध्यान दीजिए, जिससे यह त्रिज्य हटकर चलित द्रम मतलब अतः सतह पर दबाव डालते हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, इससे यह त्रिज्य हटकर चलित ड्रम अतः सतह पर दबाव डालते हैं। ठीक है, जिससे सतह पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, ये जो चलित ड्रम होते हैं। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए, चालक की अधिक गति पर उपजे अधिक अपकेंद्रीय बल द्वारा, क्या दोस्तों, चालक की अधिक गति पर। ठीक है ना, जब मतलब चालक अधिक गति करता है तो उस वक्त जो उत्पन्न होता है, ठीक है ना, गति पर उपजे अधिक अपकेंद्रीय बल द्वारा उच्च शक्ति पारेषण होता है। ठीक है, जब मतलब ये चालक साहब जब गति करता है तो इसकी गति से जो होता है उच्च शक्ति पारेषण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब केंद्रीय बल लगने के कारण होगी। ठीक, और ध्यान दीजिए, सू के साथ स्थान पर पारा भी प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, मतलब ये जो सू है इसके स्थान पर पारा भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यही कहा गया कि सू के स्थान पर पारा भी प्रयोग करते हैं। बोलिए इतना समझ पाए, तो दोस्तों चलिए इसे भी जो है हम रफ करते हैं। अब बचा एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विविध क्लच के बारे में। ठीक है ना, वो 4-5 क्लच होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसी को केवल आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे रफ करते हैं और वही देख लेते हैं, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, चैप्टर नंबर 6। ठीक है ना, तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब विविध क्लच के बारे में। ठीक है ना, जो कि आज तक ये 3 ही टॉपिक इसमें पूछे गए हैं विविध क्लच के। ठीक है ना, जो 3 प्रकार हैं वो तीनों को हम बता दे रहे हैं सिर्फ। ठीक है ना, ताकि आपको भी बोलना महसूस हो। और जहाँ तक है दोस्तों आज तक मतलब एग्जाम में भी ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हीं को हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, देखिए जिसमें सबसे पहला चुंबकीय क्लच आता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखेंगे चुंबकीय क्लच के बारे में। देखिए चुंबकीय क्लच होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये क्लच लौह चुंबकीय कड़ों पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण शक्ति पारेषित करता है। ठीक है, क्या करता है, ये क्लच लौह चुंबकीय
कणों पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण शक्ति पारेषित करता है। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, दूसरा आता है भंवर धारा क्लच। ठीक है, भंवर धारा क्लच इसको देखिए, इसमें दो रोटरों को, इसमें दो रोटरों के, ठीक है दोस्तों, इसमें दो रोटरों के एक दूसरे के सापेक्ष किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमने से प्रेरित हुई भंवर धाराओं की चुंबकीय प्रतिक्रिया द्वारा शक्ति पारेषित होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से एक बार, इसमें दो रोटरों के एक दूसरे के सापेक्ष किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमने से प्रेरित हुई भंवर धाराओं की चुंबकीय प्रतिक्रिया द्वारा शक्ति पारेषित होता है, मतलब शक्ति पारेषण होता है। बोलिए इतना समझ पा। अब ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट आता है ट्रिप क्लच। ठीक है दोस्तों, क्या हो ट्रिप क्लच, ये ध्यान दीजिए, साधारण परिस्थितियों में इस क्लच द्वारा कोई घुमाऊ गति नहीं होती है, मतलब कोई घुमाऊ घोर पारेषण नहीं होता है। ठीक है, इसे एक बार देखिए, साधारण परिस्थितियों में इस क्लच द्वारा कोई घुमाऊ घोर पारेषण नहीं होता है। बोलिए इतना समझ पाए। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आएगा, और इसी टॉपिक के साथ ये हमारा चैप्टर नंबर 6 मतलब कपलिंग एंड क्लचेस समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में दोस्तों हम सब बहुत ही जल्द मिलेंगे बियरिंग के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, उसके अगले चैप्टर से जो है दोस्तों न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी है। ठीक है, उनको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल एक चैप्टर और है जो कि 7 वाला जो बियरिंग है, ठीक है ना, उसमें भी न्यूमेरिकल लेंगे, डेफिनेशन वाला पार्ट है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग अगले लेक्चर से डिस्कस करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपको हम उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्तों यदि हमारे लेक्चर आपको अच्छे लगे हो तो इसे शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिए, और तब तक के लिए दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।